अस्सलाम वालेकुम। आइए मैं आज की वीडियो में आपको फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप जब अपने सिस्टम में फिल्मोरा को इंस्टॉल करेंगे तो कुछ कुछ इस तरह का आइकॉन आएगा। आप इस पर जब क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इसको, तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ओके, तो फिल्मोरा यूज़ करना बहुत आसान है और आज मैं आपको एक वीडियो एडिट करके भी दिखाऊंगा। इसमें आपको कुछ हम बेसिक ऑप्शन देख लेते हैं इसके। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट। आपको कोई वीडियो क्लिप चाहिए, कोई इमेजेस चाहिए या फिर ऑडियो वगैरह, तो आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे उसे। वो आपके कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में हो, आप यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, सेकेंड ये इन्होंने ऑप्शन दिया है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं इम्पोर्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड में आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम, सेकेंड है रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, जिस तरह की मैं वीडियोस बनाता हूँ, और थर्ड है रिकॉर्ड वॉइस ओवर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ मीडिया, तो मीडिया में इन्होंने जो है कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं, इसके अलावा सैम्पल वीडियो भी दी हुई है। अब इन्होंने सैम्पल वीडियोस दी हुई हैं जिसको हम यूज़ करेंगे अभी, और काउंट डाउन के ऑप्शन भी इन्होंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो का। ऑडियो में इन्होंने जो है सॉन्ग्स दिए हुए हैं, इन सॉन्ग्स को जो है आप बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक से ही, इसके अलावा इफेक्ट वगैरह हैं, इनको आप अपनी वीडियोस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यूज़ करेंगे तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ये बिल्कुल फ्री है और इसको आप इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है टाइटल्स का। आप अपनी वीडियोज़ में टाइटल वगैरह यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए हो, टाइटल चाहिए हो, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हम जो फिल्मोरा यूज़ कर रहे हैं उस फिल्मोरा 9 हम यूज़ कर रहे हैं और इसका वर्जन जो है वो 9.3 है। ओके, फोर ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रांजेक्शन का है। इसमें क्या होता है, आप दो वीडियोस के दरमियान में कोई ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। ओके, अब ये भी बहुत सारे नए ऑप्शन दिए हुए हैं, बेसिक हैं, 3D हैं, रिपल हैं। ओके, इफेक्ट हैं, आप अपनी वीडियोस में इफेक्ट लगा सकते हैं इस तरह के, और इसको आप देख सकते हैं फिल्टर्स हैं, ओवरले हैं, यूटिलिटी है। ओके, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में भी इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें हैं, इमोजीज हैं, आप ये देखिए इमोजीज यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में, पैट्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कुछ क्लिप्स टाइप के हैं, जैसे वीडियो को आप एंड में बोलना चाहते हैं कि लाइक करें मेरी वीडियो को, तो इस तरह का आप वीडियोज़ क्लिप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताऊंगा मैं। और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन, आप एक ही वक्त में अपनी वीडियो में दो वीडियोस को लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिस तरह मीडिया वाले एक ही वक्त में जो है तीन तीन चार चार लोगों को बिठा के दिखा रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप जो है एक ही वीडियोज़ में दो से तीन चार वीडियोज़ भी दिखा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में हम अपनी फाइल, जब हमारी पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, वीडियो एडिटिंग हो जाएगी, डिज़ाइनिंग हो जाएगी, तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे यानी सेव करेंगे अपनी फाइल को। तो वीडियो बनाने के लिए मुझे सबसे पहले जो चाहिए होगा, एक वीडियो चाहिए होगी। अब वो वीडियो कहाँ से आएगी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने जहाँ पर भी रखी हुई है वीडियो, मैं वहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ये देखिए। ओके, लेकिन मुझे ये वीडियो नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। इसमें यहाँ पे इन्होंने सैम्पल वीडियो है, हम इनको यूज़ करते हैं, ये देखिए। अब मैंने लाइक ये वाली वीडियो ली, राइट क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगी। और अगर आप चाहें इसको खुद से भी, आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं, ये देखिए सिंपल, आप यहाँ से ये देखिए, आपको जितनी वीडियो चाहिए आप ला सकते हैं। अब जब भी आप कोई वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इंट्रो चाहिए होता है। तो इंट्रो बनाने के लिए आपको मैं एक सिंपल इंट्रो बना के दिखा भी देता हूँ। आप जाएं टाइटल्स में, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं इंट्रो के लिए। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे रखे हुए हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ बाकायदा।
ये देखिए, अब यहाँ से जो भी अच्छा लगे आप उसे ले सकते हैं, लाइक मैं ये वाला लेता हूँ। ओके, अब ये ऊपर वाली टाइमलाइन में आया तो मैं चाहता हूँ इसको नीचे करना, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से पकड़ के नीचे कर दूंगा। ओके, बहुत इजी है फिल्मोरा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब आप चाहते हैं ये जो टाइटल बनाया है शुरू में, इसमें आपके चैनल का नाम आए, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और एडवांस में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अब मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं इस पर लिख देता हूँ वेलकम, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल, चैनल नेम चाहिए हो ABC। ओके, अब इन दोनों वीडियोस के दरमियान में मुझे एक ट्रांजेक्शन चाहिए, तो इस ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, मैं आपको ये यूज़ करके दिखाता हूँ। लाइक मैं इसको यूज़ करता हूँ क्यूब को, ये देखिए। अब क्यूब से क्या होगा, मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ओके, तो ट्रांजेक्शन से हम ये कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी वीडियो शुरू होगी, उसमें आप चाहते हैं कोई दूसरा ट्रांजेक्शन लगाना तो आप वो लगा सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये यूज़ करता हूँ लाइक, और एक और यूज़ कर लेता हूँ जैसे ये वाली, ठीक है। प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं इतनी अपनी वीडियोस को कट करना है यहाँ से, तो आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है, कैंची बनी हुई है, सीजर बनी हुई है और लिखा हुआ है स्प्लिट। आपको इस पर क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट। ओके, तो ये कट करने का भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको म्यूजिक चाहिए इसके पीछे, तो आप जाएं ऑडियो में, और यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूजिक हैं, आप इसको बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं, इफेक्ट हैं इसमें। तो मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब ये अच्छा खासा बड़ा म्यूजिक है तो उसको कट करना पड़ेगा, तो ये देखिए, आप इसको इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं, ये पूरा म्यूजिक जा रहा है। ओके, अब कहाँ तक चाहिए आपको, चाहिए लाइक यहाँ तक बस। ओके, तो इस पे क्लिक किया यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है स्पीड, फिर इसको सेलेक्ट किया, डिलीट भी कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। अच्छा, इसमें कंट्रोल जेड ऑप्शन भी चलता है, बिल्कुल जितनी दफ़ा आप इसको यूज़ करना चाहें, अंडू कमांड को आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल जेड को। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको जो म्यूजिक लगाया हमने। अच्छा, एक चीज़, अगर आपने जो साउंड लगाया इसके साउंड को आप इंक्रीज करना चाहें, अब मैं प्ले करता हूँ पहले, तो आप डबल क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ से आप साउंड भी वॉल्यूम इंक्रीज। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसमें साउंड से बिलोंग भी ऑप्शन हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड नॉइस, आप जब वीडियो बनाएंगे अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो आपकी वीडियोस में, तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अभी चूंकि ऐसी वीडियो नहीं है, लेकिन आप इस कमांड को आगे यूज़ करेंगे और मैं बाकायदा फर्दर फर्दर इसकी भी वीडियोज़ बनाऊँगा तमाम ऑप्शन की। तो मैं सिंपल इसको ओके करता हूँ, और मैं लास्ट में एक और ऑप्शन लगा देता हूँ, आउटरो बना देता हूँ, ताकि मेरी वीडियो जो है डन हो जाए। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ अप्लाई, इसको नीचे करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडवांस में जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब। इसको
अपनी मर्जी से हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें तो हम कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर चाहिए वो आपको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आप नीचे साउंड लगा इसको बड़ा करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक दफा दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, आप ये जितने भी आप इसमें क्लिप जो है ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो ये देखिए इसका साइज़ सिर्फ बड़ा होगा, आपकी वीडियोस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको ये देखिए, ये बिल्कुल एंड में जो एक छोटा छोटा सा क्लिप लग गया इसको आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो आपकी रेडी हो चुकी है, आप इसको एक दफ़ा और प्ले करें। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो है एक लोअर में केस टैक्स लिखना चाह रहा हूँ, लाइक यहाँ पे। तो मैं इसमें जाऊँगा टाइटल में और यहाँ पे लाइक जो भी अच्छा लगे मुझे मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे मैं ये लिखता हूँ। अच्छा, इसमें अगर कुछ ऑप्शन यूज़ नहीं हो तो वो पहले डाउनलोड होंगे उसके बाद यूज़ होंगे। ओके, तो ये टैक्स आ चुका है, इसको मैं छोटा करता हूँ। ये देखिए इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ बाकायदा। ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा इजी है, आप अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। ये देखिए सेट कर सकते हैं और एडिटिंग करनी है आपको, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे प्लीज लाइक। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस वीडियो को प्ले करके। अब ये थोड़ी देर दिखे तो उसके लिए मैं इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ओके, ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताई है वीडियो एडिटिंग करना, इसमें तमाम चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। देखिए मैंने शुरू में आपको वीडियो इंट्रो बनाना बताया, उसके बाद मैंने जो है वीडियोस के क्लिप रखे छोटे छोटे, फिर बीच में ट्रांजिशन लगाए, नीचे साउंड लगाया, ऊपर टेक्स्ट लिखा और एंड में मैंने आउट्रो भी लगा दिया। तो यही जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी वीडियो का एडिटिंग करने के लिए, यही चीज़ें होती हैं। अब मैं मुख्तलिफ आपको वीडियोज जो है डिज़ाइन करके बताऊँगा और अलग अलग हम उसमें चीज़ों को यूज़ भी करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, अब इसको हम फाइल को सेव करते हैं। फाइल सेव करना बहुत आसान है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ फाइल नेम। तो जो भी आपने बनाई है वीडियो उसका नाम लिखेंगे, लाइक मैं सैम्पल वीडियो लिख देता हूँ सैम्पल। अब यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट्स, तो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप MP4 में भी कर सकते हैं कन्वर्ट, WMV में भी कर सकते हैं, AVI में, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन हैं उसमें भी आप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा AVI एक अच्छा फॉर्मेट है, आप इसमें यूज़ करें। इसके अलावा यहाँ पे देखें फाइल रेजोल्यूशन साइज़ लिखा हुआ है, फाइल साइज़ वीडियो साइज़, तो आप MP4 करेंगे तो ये साइज़ कम हो जाएगा और AVI करेंगे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन अच्छी वीडियो बन जाती है। यहाँ पर ड्यूरेशन भी आ रहा है, तो सिंपल आपको यहाँ पर फाइल नेम लिखना है और यहाँ पर लिखा हुआ है आप सेव टू कहाँ पर करना चाहते हैं सेव, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस पे देखें यहाँ पे क्वालिटी है, आप इसको बेस कर दें सिंपल ओके। और उसके बाद आप यहाँ पे जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम दे दें, जैसे मैंने अपनी फाइल को सेव करता हूँ मैं ज़्यादातर आउटपुट में, तो आउटपुट में आप सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे करना चाहें, डॉक्यूमेंट्स में करना चाहें, आप उस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में इस तरह का इंटरफेस आता है, ये बिल्कुल एक्सपोर्ट हो जाएगा।
और ये जब वीडियो पूरी एक्सपोर्ट हो जाएगी आप इसको बकायदा यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक्सपोर्ट के बाद किस तरह की वीडियो आपको दिखेगी, क्योंकि छोटी सी बिल्कुल वीडियो बनाएंगे और ये फ़ौरन आपको दिख भी जाएगी। तो ये देखिए हमारी वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है 100%। अब हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ से और वीडियो जहाँ पे सेव की थी मैंने उस फोल्डर में जाता हूँ, मैंने की है आउटपुट में। तो हमारी ये वीडियो आ चुकी है सैम्पल के नाम से, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ओके दोस्तों, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।